ओरिजिनल हवेली, मतलब मेन हवेली यही है। तो हम जलंधर की आज मेन हवेली में आ रखे हैं खाना खाने के लिए। हाँ रखो, रोटी रखो। हाय बोल दे चल। हाय, लव यू। ब्लॉग किया था नहीं, कुछ माना ही नहीं। क्या चोटी लगा मेरे? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। पहला आज एक नए दिन की शुरुआत एक नए व्लॉग के साथ करते हैं। तो गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अभी सुबह के 5 बजे से और बिल्कुल अंधेरा है और हम निकल चुके हैं कोटद्वार की ओर। धमपुर पुलिस धमपुर की सो रहे हैं, हम जा रहे हैं। जमाने में देखा हुआ वो पार्किंग है। तुम्हारी तो पंजाबी भी बाहर निकल रही है यार। वो उस साइड को है। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं खाने के लिए। हम आ रखे हैं आज अभी जलंधर के पॉपुलर हवेली में खाना खाने के लिए। हाय हाय, क्या यार, तुम्हें जब हम एक दिन वहाँ गए थे मुझे वहाँ भी अच्छा लगा यार, बैठने का बहुत अच्छा था। जा मेरे को उसकी याद आ रही है, यहाँ जयपुर में गए थे जब हम, याद है तुम्हें? ऐसी जगह तो गए थे हम लोग, नहीं गए थे? अच्छा यार, खूबसूरत लग रहा है। अंदर जाएंगे गाड़ी में, लॉक कर दो, इससे यहाँ से हो जाएगा। तो गाइस, आज हम आ रखे हैं हवेली में खाने के लिए। ये फेमस हवेली है यहाँ की, है सबसे ओरिजिनल हवेली, मतलब मेन हवेली ही है। तो हम जलंधर की आज मेन हवेली में आ रखे हैं खाना खाने के लिए। और इतनी खूबसूरत सी है ना, क्या बताऊँ आपको। और विहान को देखो, यहाँ पे विहान ने यहाँ पे भी नहीं छोड़ा खेलना अपना। टेस्टी सा लंच करने के बाद अभी हमने मंगा दी है जलेबी, जो दिखने में ही इतनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल पतली पतली सी। और साथ में हमने मंगा रखी है बिल्कुल मलाईदार लस्सी। तो इसको खाते हैं, बहुत मज़ा आ गया आज खाने में। तो गाइस, हम लोग खाना वाना खा के आ गए, बहुत ही बढ़िया खाना था। इसके बाद पहले से भी कहते थे कि जलंधर जाएंगे तो आपको हवेली में लेके जाऊंगा करके, और आज लेके भी गए और काफ़ी बढ़िया खाना था, मस्त मज़ा आ गया आज, बहुत ही सारी चीज़ें खा ली। अच्छा है क्या दिन तुम्हारा कॉलेज? अगली बार जब अमृतसर आएंगे ना तब अमृतसर। इतनी शराब पी है ना पंजाबी हर 100 मीटर में, ठीक है तभी तो ना मोटे हो रहते हैं। फिर चिकन खाएंगे। तो गाइस, अभी हम निकल रहे हैं कोटद्वार से घर की ओर। कल हम आए थे
हाँ हाँ चलो चलो। कल हम आए थे ना, मतलब कल हमने बहुत घंटे का सफ़र किया, 20-22 घंटे का सफ़र हो गया था। 16 घंटे का सफ़र हमारा 20-22 घंटे में पूरा हुआ। कल हम रात को 2:30 बजे घर पहुँचे, मतलब कोटद्वार पहुँचे 5 बजे सुबह लगे हुए श्रीनगर से। तो पूरे रात भर सफ़र करने में थे, फिर अभी उसके आने के बाद हम सो गए थे। फिर 7:30 बजे उठ के अभी हम पौड़ी के रास्ते घर को जा रहे हैं बागेश्वर। फिर हमारा बहुत सारा काम है, आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ भी बतानी है। तो बहुत सारे काम है, मतलब तो हम निकल आए जल्दी जल्दी, क्योंकि अब आगे का सफ़र पूरा करते हैं अपना। अभी हम पेट्रोल भराने के लिए रुके हैं यहाँ पे, और थकान भी बहुत हो गई है, काफ़ी लंबा जाना है अभी हमें, 8-9 घंटे का रास्ता सफ़र करना है। अच्छे लग रहे हैं पहाड़, जैसे कि मतलब फूल लगे हैं पहाड़ों में, देखो ना। हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं श्रीनगर पार करके धारी देवी मंदिर पहुंचने वाले हैं, और अभी बचने वाला है 1:20 हो रखा है। और अभी हमने लंच भी नहीं किया, क्योंकि हम सोच रहे थे कि हम ब्रेकफास्ट करते हैं 11 बजे के आसपास, तो बिहान सो गया था तब हमने किया नहीं। और अभी धारी देवी मंदिर के पास हम पहुँच चुके हैं, और पहले दिन हम निकले थे अपने ट्रिप पर, तो तब धारी देवी मंदिर के हमने दर्शन किए थे। और आज है नवमी, और नवमी के दिन हम फिर से आज धारी देवी मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। पूरे नवरात्र हमने ट्रिप में लगा दी अपने, तो काफ़ी अच्छा रहा हमारा ट्रिप। और अभी अगर रुकेंगे थोड़ी देर धारी देवी के मंदिर, तो ऊपर से ही दर्शन कर लेंगे, अदरवाइज़ सीधे ही चलेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए हमें ट्रैवलिंग करते हुए, और इतना ट्रैफिक है रास्ते में कि हमें काफ़ी लेट हो गया आज भी। बीच में श्रीनगर और कहाँ से मिला हमको बहुत ट्रैफिक, श्रीनगर में बहुत ट्रैफिक मिला। धारी देवी व्यू पॉइंट, तो ये है धारी देवी का गेट, यहाँ से नीचे रास्ता है। आज कितनी भीड़ हो रखी है नवमी की वजह से, यहाँ देखो कितने लोग आ रखे हैं यार, कितने लोग। तो गाइस अभी बज चुका है 2, और विहान भी उठ गया है, और अब हम सोच रहे हैं कि लंच कर लें अगर इसके पापा गए हैं, नहीं तो लंच करके आते हैं, लंच होगा तो वहाँ पे जा। सुना चलो, आ जा। तो गाइस हम लोग खाने का वेट कर रहे हैं अभी, इसमें मत बैठना के रहता हूँ, टूटी है चेयर, एक और लेके आओ तो ऊपर से, ये छोड़ नहीं रहे। क्या है वो? ऐसे ही पूछ रहा था यार, क्या चल रहा है करके, मैंने कहा फोन करता हूँ, टाइम वहाँ सिग्नल ही नहीं आ रहे थे, अश्विनी सर ने भी। तो गाइस हम लोग खाना वाना खा के निकल चुके हैं अपने आगे के सफर में। अभी हम बस रुद्रप्रयाग से निकले हैं, और खाना भी खा लिया है। हाँ, हाय बोल दे चल, हाय, लव यू, मैं अभी कुलकुले और बिस्किट खाऊंगा कहते। मिर्च हो रहा इसको वो खाना है।
तो गाइस अभी हम कॉलम से चाय पानी पी के निकल रहे हैं बागेश्वर की ओर। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर में और अभी हो चुका है 7:30 और हम घर पहुंच चुके हैं। बहुत थकान हो गया, अभी खाना वाना भी नहीं खाया, क्या पता डिनर करने के लिए हम बाहर ही जाएं, क्योंकि यहाँ पे खाना ऑर्डर नहीं हो पाता, नहीं हो पाता ना ऑर्डर, यहाँ पे नहीं होता है बागेश्वर में। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए, क्योंकि खाना बनाने का मन वैसे भी मेरा कुछ कर नहीं रहा था, सोच रही थी मैं जाऊँ नहीं जाए जाए नहीं जाए, सोना चल जल्दी है पापा चले गए, तो अभी जा रहे हैं, इसके पापा कह रहे हैं कि चलते हैं करंस में खाने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए और 8:30 हो गया, 8:30-9:15 हो गया है। चलो 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 भागो। फिश, ब्लैक फिश, गोल्डन फिश, ब्लैक फिश। निकोटन मसाला है नहीं? सुना खाओ, मैं लुकस दिखा हटा दूंगी फिर। डालो 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 डालो, थोड़ा बना बता, खा लेता हूँ प्याज थोड़ी खाएगा यार। नो 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 नो, सॉफ्ट वाली चीज़ है, रुकिया डालना यार। तो गाइस हम लोग खाना खा के आ चुके हैं और मैं अपना ब्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।